सर रेहान जो पिछले 2 महीने से फरार है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। गुड, क्या होता है इन्फॉर्मर ने? सर इन्फॉर्मर ने बताया कि रेहान को नासिर कॉलोनी में एक लड़के के साथ बाइक पर जाते हुए देखा है, लेकिन सर इन्फॉर्मर उनका पीछा नहीं कर सके। नासिर कॉलोनी में तुम रेहान की तस्वीर मुतलका थाने भिजवा दो, ज़रूर वो उस इलाके में कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा। जी सर। अपने इन्फॉर्मर से कहो कि वो अपनी तलाश जारी रखे और जैसे ही वो इतला मिले हमें बताए। ओके सर। रेहान ने अपनी माँ से रابطہ करने की कोशिश की? नहीं सर, उसकी माँ का मोबाइल नंबर ट्रेस पर लगा हुआ है और उसके घर पर सर हमारे आदमियों की नज़र है। नहीं सर, अगर उसने अपनी माँ से कोई रابطہ किया तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। गुड, अब रेहान ज़्यादा दिन कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रह सकता। हाँ भाई फरीद, एक छोटी सी मुर्गी तो तोल ले यार, कम से कम 2 किलो की होगी, तोल ले। यार 1 किलो 85 ग्राम हुए, तेरे 245 रुपए बने। चर्बी साफ कर दियो, बॉडी छोटी छोटी बना दियो। यार इस औरत के बेटे का कुछ पता लगा क्या? नहीं यार, 2 महीने से तो फरार है, पुलिस के हाथ भी नहीं चढ़ा। यार मैं तो इसे बहुत शरीफ आदमी समझता था, पर ये तो पक्का मुजरिम निकला यार। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, किसके दिल में क्या चल रहा है ये अल्लाह ही जाने। हाँ यार तू सही कह रहा है, इसे अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं आया, अगर उसका ख्याल होता तो कभी ऐसी हरकत करता क्या वो? तू बता। तू गार्ड यार। यार एक बात तो बता, क्या तुझे पूरा यकीन है कि रेहान ने ही मंसूर साहब की बेटी को धक्का दिया था? यार मैंने खुद देखा है, रेहान ने ही मंसूर साहब की बेटी को धक्का दिया है, तभी तो मैंने पुलिस को बयान दिया है। और हाँ, वो शाहरुख खान नहीं है, उसने भी देखा। अबे यार कैसी बात कर रहा है, अबे वो तो बावला है, वो लंबी लंबी छोड़ता है यार, उसकी बात पर कौन भरोसा करेगा? यार फरीद तू अच्छे तरीके से जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे अलावा वहाँ 2-3 लोग और मौजूद थे जिन्होंने धक्का देते हुए देखा। अबे भाई तो मैं कब कह रहा हूँ कि तू झूठ बोल रहा है यार, तू तो दिल पर ही ले गया, ये ले पकड़। ये ले यार 200 रुपये रख, 45 रुपये शाम में ले लियो। अब ये क्या है यार, पहले के भी 20 रुपये बाकी हैं भाई। तो भागे थोड़ी जा रहा हूँ, शाम में ले लियो ना यार। सही है भाई, दे जाइयो यार यहाँ से। आंटी मेरी बात सुने, रेहान का दोस्त रेहान ने आपके लिए खत भेजा है। कैसा है मेरा बेटा, कहाँ है? जी हमारे यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, उसने खत में सब लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ, मैं अपने दोस्त शहजाद के घर में रह रहा हूँ। अम्मी हमें ये शहर छोड़ना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आप जुम्मे को शाम 5 बजे कैंट स्टेशन के बस अड्डे पर आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। हम ये घर और ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। आपका बेटा रेहान। अम्मी मैं कराची छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, गांव देहात की भी कोई ज़िंदगी है,
लोग गांव देहात छोड़कर कराची आते हैं और आप कराची छोड़कर गांव देहात जाने की बात कर रही हैं। इसमें हर्जी क्या है बेटा? मैं तो तेरे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कह रही हूँ। आगे तेरी शादी होगी, बी बच्चे पढ़ेंगे, कब तक ये घर 12,000 पे चलेगा? अम्मी मैंने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ये तो मैं पिछले 3 साल से सुन रही हूँ। अब सुन, तेरे नाना का फोन आया था, अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो मुझे कब से बुला रहे हैं। अच्छा तो दोबारा नाना अब्बू का फोन आया था? आपसे 10 दफा कहा है उनको यहाँ बुला लेना। चलता हुआ कारखाना कौन छोड़ता है, और बर्फ का कारखाना बेचना आसान तो नहीं। हम ये करते हैं, अपना फ्लैट बेच देते हैं और फिर तू वहाँ अपनी मर्जी से कारोबार कर लेना। नहीं अम्मी, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। वहाँ की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? मगरिब हुई नहीं कि चारों तरफ सन्नाटा, कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थी वहाँ पे। मैं कराची हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। खाला मेंटेनेंस का पैसा है? तुम्हें तो मेरी हालत का पता है, रेहान के नाना का नंबर बहुत दिनों से बंद है, वरना मैं मंगवा लेती। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। खाला तुम्हारे बेटे की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। सारी बिल्डिंग वालों का प्रेशर है मुझ पर कि तुमसे यह घर खाली करवाऊं, लेकिन मैं बिल्डिंग वालों को ज्यादा दिन खामोश नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो अपना इंतजाम कर लो और यह घर खाली कर दो। और हाँ, पिछले महीने के पैसे भी मैंने अपनी जेब से अदा किए थे, इस महीने की आखिरी तारीख 2 है, परसों तक पैसों का इंतजाम कर लेना। मंसूर साहब अच्छा हुआ आप आ गए, मैं मेंटेनेंस लेने आया था। मेंटेनेंस? ये 2,000 हैं, ये मेरे महीने के पैसे और ये खतीजा बीबी के मेंटेनेंस के पैसे। मंसूर साहब, आप इस औरत की मदद कर रहे हैं जिसके बेटे ने आपकी बेटी को धक्का दिया था। एक बेटे की सजा माँ को तो नहीं देनी चाहिए ना, इस औरत का क्या कसूर है इसमें? मेरी समझ में नहीं आ रहा मंसूर साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो सबसे पहले मैं इस औरत को घर से बाहर निकाल देता। ठीक है, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि मेंटेनेंस के पैसे मैंने तुम्हें दिए। यकीन नहीं आता मंसूर साहब कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अरे नहीं, अल्लाह बड़ा है। मेहरबानी, थैंक यू। तो मिला मी से? हाँ मिला था। क्या हुआ, तब ठीक है उनकी? हाँ ठीक है, और तेरा खत भी उनको दे दिया है। क्या क्या बोल रही थी, वो आएंगी ना? मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई, तेरा खत दिया और चल पड़ा। तेरा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता यार, तू अगर मेरी मदद ना करता तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होता। ऐसा बोल, इसने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। ये ले, तेरे लिए बस की 2 टिकट करवा दी हैं, परसों अपनी माँ को ले तो कहीं दूर चला जा। अबे क्या हुआ, किससे छुप रहा है? पुलिस वाले हैं उधर। पागल हो गया, सीधा खड़ा हो। उसी तरह डरता रहा ना तो अपनी माँ को दूसरे शहर कभी नहीं ले जा सकता। ये पुलिस वाले तुझे नहीं जानते सिवाय उस थाने के जिस थाने में तेरी FIR कटी है। लेकिन अगर तू यही हरकतें करता रहा ना, ये तुझे एक दिन ज़रूर पकड़ लेंगे। चल अब नॉर्मल हो जा और घर चल। अच्छा, और तुम? मुझे सैंडविच। चलो फिर कैफे चलते हैं, देर काहे की। यस। आ जाओ। पापा मुझे एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए बड़ा। तो भी छोटी हूँ, इस मोबाइल का क्या करूँ? पापा मेरी क्लास की हर गर्ल के पास मोबाइल है, इसलिए मुझे भी चाहिए। मेरी बेटी को पता है ना कि मैं इसकी कोई बात रद्द नहीं करता,
तो यूँ समझो कि तुम्हारा मोबाइल आ गया। आई लव यू पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। और तुम दोनों मेरे लिए दुनिया के बेस्ट बच्चे हो। रजा रजा बेटा, ये अम्मी को दे देना, सही है? रजा, मुझसे वादा करो आज तुमने जो भी देखा वो तुम पापा को नहीं बताओगे। बाजी, पापा हमारी मदद करेंगे। नहीं रजा, तुम पापा को कुछ नहीं बताओगे। ठीक है बाजी, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए रजा, तुम पापा को कुछ नहीं बताना, मैं ये मसला खुद हल करूंगी। जी बाजी, आप फिक्र ना करें, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। अब पापा के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो दोनों बहन भाई अकेले बैठे क्या मंसूबे बना रहे हैं? नहीं पापा, कुछ नहीं। नहीं बेटा, कोई बात तो है। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। देखो मनाइल बेटा, पिछले दो दिनों से मैं तुम्हें खासा डिस्टर्ब देख रहा हूँ, बहुत खामोश खामोश हो, क्या बात है? नहीं पापा, मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, तुम दोनों की माँ तो है नहीं जिससे तुम कोई बात शेयर कर सको, इसलिए मुझे अपनी मामा की जगह भी समझो। एक बात याद रखना, तुम दोनों मुझसे कोई बात छुपाना नहीं। जी पापा, ऐसा कोई भी मसला होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। कॉल करें। रेहान बेगैरत, अब क्या देख रहा है? लड़की को धक्का दे दिया, पकड़ो इसको। लड़की को मार रहा है, जाने नहीं पाई है। लड़की को मार रहा है, लड़की को धक्का देता है, पकड़ो। यहाँ से मिली थी? जी सर। सर रेहान ने धक्का दिया था, हम सबने अपनी आंखों से देखा। सर ये ठीक कह रहा है, रेहान ने खुद धक्का दिया, हमने उसे पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन वो फरार हो गया। रेहान इसी फ्लैट में रहता है? सर ये लड़की के बराबर वाले फ्लैट में रहता है। चलो झूठ बोल रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो ऐसे नहीं कर सकता। वो तो सब पता चल जाएगा। सलीम, इस लड़की की तस्वीर और मोबाइल नंबर लो, और जहाँ ये नौकरी करता है और जितने भी इसके रिश्तेदार और दोस्त हैं उन सब जगह पर छापा मारो। और हाँ, मुझे ये लड़का हर हालत में चाहिए, अंडरस्टैंड? ओके सर। गो। She is no more. I am sorry. में गिर गया है। आप झूठ बोल रहे हैं,
अब मीनार बाजी की तस्वीर देख के रो रहे। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस पता नहीं ऐसे ही आंसू आ गए थे। आपको मीनार बाजी की याद आ रही है ना? मुझे भी मीनार बाजी की बहुत याद आती है। रसा बेटा, मैंने मना किया था ना कि रोना नहीं है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे स्कूल में भी दिल नहीं करता, ना खेलने में दिल लगता है। मेरा बहादुर बेटा, you are very strong boy. ठीक है बेटा, आप नहीं रोना। पापा आप भी तो रो रहे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं नहीं रोऊंगा, ठीक है? अब तुमने भी नहीं रोना, वादा करो। वादा करता हूँ। मेरा शेर बेटा, मेरा शेर बेटा। सर, जोहर थाने में एक अजीब केस रिपोर्ट हुआ है। वो क्या? सर, एक मकान काफी अरसे से बंद पड़ा था, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और वो पूरा मकान जल गया। तो उसमें अजीब बात क्या है? सर, अजीब ये है कि उसके अंदर एक लड़का भी जल के मर गया। लड़का? वो वहां पर क्या कर रहा था? सर, समझ तो यही बात नहीं आ रही, क्योंकि मकान में बाहर से ताला लगा हुआ था और घर में जाने का दूसरा भी कोई रास्ता नहीं है। लड़का अंदर कैसे गया? जी गुड, आप उन लोगों पे नजर रखो और वो कहीं भी जाए मुझे फौरन इन्फॉर्म करो, ठीक है? क्या हुआ, किसका फोन था? सर, इन्फॉर्मर की कॉल आई थी, उसके मुताबिक रिहान नासिर कॉलोनी के क्वार्टर में एक लड़के के साथ ठहरा हुआ है। क्या? हुमायूं? यस सर। मोबाइल तैयार करो और फौरी तौर पर रिहान को उठाकर यहाँ पर लेकर आओ। ओके सर। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? यार वो गली में पुलिस आई है, मुझे लग रहा है वो तुझे ढूंढ रहे हैं। अबे यार, अब क्या करेंगे? तू पीछे के दरवाजे से भाग, जब तक मैं पुलिस को संभालता हूँ। और हाँ, बाइक वहीं खड़ी है, तू भी मेरे साथ चल। यार हम दोनों अगर साथ भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, जब तक पुलिस मुझसे सवाल जवाब करेगी तू काफी दूर निकल जाएगा। मगर उन्होंने तुझे पकड़ लिया तो? अबे जब तू उन्हें यहाँ नहीं मिलेगा तो वो मुझे क्यों पकड़ेंगे? तो काम कर, तू भाग यहाँ से। और हाँ, अम्मी को साथ लेकर जाना। क्या हुआ? पूरे घर की तलाशी लो। किधर छुपाया तूने रेहान को? रेहान? कौन रेहान? मैं किसी रेहान को नहीं जानता। इसी के साथ था रेहान? जी सर, ये वही लड़का रेहान, इसी के साथ था। सर, पीछे गली से एक बंदा भागा है, लगता है वो रेहान है। पीछा करो उसका। ठीक है सर। लेके चलो उसको थाने। मेरा कसूर क्या है? कसूर? कसूर तो तुझे थाने जल के पता चलेगा। एक मुजरिम को पना देता है, लेके चलो। मैंने किसी को पना नहीं दी भाई। देख, तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे, रियान कहाँ भागा है? मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, मैं किसी रियान को नहीं जानता और उस क्वार्टर में मैं अकेला रहता हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। बहुत डीट है भाई, बिना खुराक के तो कुछ बोलेगा नहीं। देखिए, आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे। क्या सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? तू ऐसे नहीं मानेगा। सबूत पूछता बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ।
क्या हुआ? बस इतनी जल्दी सब याद आ गया? बोल जल्दी, बता सब। मुझे पता है, मुझे पता। सर कुछ बताया शहजाद ने? जी सर, शहजाद के मुताबिक इसने कल शाम रियान की माँ को एक खत लिख दिया था, जिसके जरिए कल शाम उन्होंने रियान की माँ को 5 बजे बस अड्डे पर बुलवाया। सर रियान भी वहाँ आएगा और रियान का अपनी माँ के साथ शेर छोड़ने का इरादा है। गुड, तुम सिविल ड्रेस में कल रियान की माँ पर नजर रखना और अपने कुछ आदमियों को बस अड्डे पर भेज दो। ठीक है सर। इस बार रेहान बचना नहीं चाहिए। यस सर। भाई शफकत, ये क्या कर रही है? सच कह रहा हूं, तुम्हारी वालदा का पीछा करते करते पुलिस वाले यहां तक आ गए, तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ। मगर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? सब छोड़ो, पुलिस चारों तरफ सिविल कपड़ों में, तुम जितनी जल्दी हो सके निकलो यहां से, जल्दी निकलो, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। इस केस के मुद्दई ना होते ना, तो मैं आपको एक मुजरिम भगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता। मैं अपनी FIR वापस लेता हूं। क्या? उस रोज जब आप FIR कटवाने के लिए आए थे, तब तो आपके सर के ऊपर बड़ा खून सवार था कि जैसे ही रेहान आपको मिलेगा आप उसको कत्ल कर देंगे। अब क्या हो गया? आपकी बेटी की मोहब्बत कम हो गई है या खून सफेद हो गया है आपका? आप कुछ भी समझे, मैंने उस लड़के को माफ कर दिया है। आप जैसे लोगों की वजह से ही मुजरिमों को शय मिलती है। आज उसने एक कत्ल किया है, कल चार चार करेगा। नहीं, मैं एक मुजरिम को इस तरह से आजाद नहीं छोड़ सकता। अगर आप FIR वापस लेंगे तो मैं अपनी मुदियत में ये FIR काटूंगा। देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस केस को बंद कर दें। मैं उस लड़के को माफ कर चुका हूं। देखिए, अगर आपकी कोई मजबूरी है या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं आपका साथ दूंगा। आप समझते क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं ये केस बंद नहीं करूंगा। मैं उस लड़के को सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। जा सकते हैं आप। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये अचानक शख्स को क्या हो गया? दाल में जरूर कुछ काला है, वरना ये आदमी इस तरह से पलट नहीं सकता। खैर,
रेहान तो अब हमारे हाथ आ गया है, सारी कहानी खुद बखुद खुल जाएगी। बस हमें रेहान की माँ पर कड़ी नज़र रखनी है। ओके सर। हो सकता है कि उसके पास अब छुपने का कोई ठिकाना ना रहा हो, वो अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर आएगा। इस बार रेहान बचकर जाना नहीं चाहिए। यस सर। रेहान की अम्मी सीढ़ियों से गिर गई है, मैं एम्बुलेंस लेने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, अब क्या कंडीशन है इनकी और कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, इनके सर पर गहरी चोट आई है, जख्म ठीक होने में काफी दिन लग सकते हैं। इनको होश कब तक आ जाएगा और यहाँ एडमिट कब तक रहेंगे? सुबह तक इनको होश आ जाएगा इंशाल्लाह, और 3 से 4 दिन बाद आप इनको घर ले जा सकते हैं। सब खैरियत तो है ना? इस खातून का बेटा कत्ल करके फरार हुआ है और हमें उम्मीद है वो अपनी माँ से मिलने ज़रूर आएगा, और जब तक ये खातून यहाँ एडमिट है हमारे अहलकार यहाँ ही रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इंतज़ामिया से खुद बात कर लूँगा। और हाँ, इस मरतबा अगर आपने पुलिस और रेहान के बीच में आने की कोशिश की तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे, समझे? मंसूर साहब, आपके लिए खुशखबरी है, रेहान अस्पताल में अपनी माँ से मिलने के लिए आ रहा था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई आपकी बेटी का कातिल पकड़ा गया? नहीं, मैं नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं। क्या सोच रहे हैं आप? बेटा, क्या तुम अपने पापा के बगैर रह लोगे? आप कहाँ जा रहे हैं पापा? बेटा, तुम्हारे पापा को बहुत जरूरी काम है, हो सकता है कि काफी दिन तक वापस ना आ सको, तो तुम अपनी खाला के घर रह लेना। पर ऐसा क्या जरूरी काम है? बेटा, अभी नहीं बता सकता, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी खाला के घर जा रहे हैं। पापा, आप कितने दिन तक नहीं आओगे? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन काफी दिन लग सकते हैं। अपनी खाला को परेशान मत करना और खूब दिल लगा के पढ़ना। लेकिन पापा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, आप तो मेरी तमाम बातें मानते हैं ना। बस अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। शाबाश। क्या बोला रेहान? सर, वो कहता है जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो मुझे मनाहिल की चीखने की आवाज़ आई, और जब मैं छत पर पहुंचा तो वो गिर चुकी थी। झूठ कह रहा है वो, अगर वो बेगुनाह था तो फिर इतने दिन फरार क्यों रहा वो? सर, हमने बहुत कोशिश करी उगलवाने की, लेकिन सर वो कहता है कि मोहल्ले वालों ने उसको छत पर देखा था और उसी को कातिल समझा, और सर जेल जाने के डर से वो भाग गया। तुमको क्या लगता है, वो सच कह रहा है?
सर रिमांड रूम में तो अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं, वो तो सिर्फ 22-23 साल का लड़का है। ठीक कह रहे हो तुम। सर मंसूर साहब आए आपसे मिलने के लिए। अंदर बुलाओ। ओके सर। आइए मंसूर साहब, तशरीफ रखिए। फरमाइए। रेहान बेकसूर है, उसने मेरी बेटी को धक्का नहीं दिया था। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी ने खुदकुशी की थी। तो फिर आपने रेहान के खिलाफ FIR दर्ज क्यों करवाई? उस वक्त तक सच्चाई मैं भी नहीं जानता था। जब आपको सच्चाई का पता था तो फिर आप खामोश क्यों रहे? अपनी बेटी की इज्जत की खातिर खामोश रहा मैं। पापा, एक लड़का आप ही को तंग करता है। कौन लड़का? वो स्कूल में पढ़ता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप ही ने मना किया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम काशान है। उस दिन स्कूल से ना घर आते हुए हम पार्क पे जा रहे थे, उस घर में बंद रखूंगा, अगले दिन छोड़ दूंगा, लेकिन अगली बार जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि रात को वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, पूरा घर जल गया और वहां काशान भी जल के वहां मर गया। रेहान और शहजाद को रिहा कर दो। ओके सर।